करती है, खुद तो हीरोइन बनके घूमेगी, डायमंड रिंग, डायमंड नेकलेस, और मुझसे एक्सपेक्ट करेगी कि मैं सीधी सादी घूमूं, पढ़ाई करूं? This is not fair, ना? This is just impossible. पुष्टि अपनी आई से ऐसे बात Excuse me. तुम अपने काम से काम रखो, वो मेरी मॉम है, उनसे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। और वैसे भी इस घर में यह सब एक दूसरे से ऐसे बात करते, तुम्हें आदत नहीं होगी ना, तुम न्यू हो, लेकिन आदत डाल लो। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमने तुम्हें हायर किया है, तुमने हमें नहीं, तो ये लेक्चर वेक्चर देना ना बंद करो और अपने काम से काम रखो, समझी? एक मिनट पुष्टि, क्या गलत कहा पिया ने? नीना तुम्हारी आई है और तुम उससे इस तरह बात नहीं कर सकती हो, you get that? Excuse me, Dad. मॉम भी तो इसी तरह बात करती है ना, आजी और आजूबा से, अब उन्हें तो कुछ नहीं बोलते, फिर मुझे क्यों? हाँ? पुष्टि, पुष्टि! Yeah, I'm sorry for her behavior. मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ. I'm really sorry. No sir, it's fine. मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? सर, वैसे तो मैं एक स्ट्रेंजर हूँ, मुझे नहीं पता मेरा आपसे इस मामले में बात करना सही होगा या गलत, बट आफ्टर ऑल इट्स योर पर्सनल मैटर सर, पर मुझे लगता है जो पुष्टि कह रही थी वो गलत नहीं है, उसने जो देखा, उसने जो सीखा, वो उसी को देखकर रिएक्ट कर रही है सर. यू नो सर, मेरी मॉम हमेशा कहती है कि जिस तरह से आप अपने बच्चों के सामने अपनी आई और बाबा से बात करेंगे, ठीक उसी तरह आपके बच्चे आपसे बात करेंगे सर, चाहे फिर वो इंडिया हो या कनाडा, इट्स ऑल द सेम. एंड आफ्टर ऑल इट्स अ सर्कल, आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे आपकी जर्नी वहीं जाके ख़त्म होगी. सर, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको रिस्पेक्ट करें, तो पहले आपको अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना होगा.